भारत माता की भारत माता की। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मैं लगभग 40 मिनट लेट से आया हूं। लेट से आने का कारण यह था कि एक जनसंख्या नियंत्रण के लिए 22 दिन से अनशन चल रहा है गाजियाबाद में। एक अनिल चौधरी अनशन कर रहे हैं, हमें उनका अनशन तोड़वाना था आज, तो इसलिए मैं पहले गाजियाबाद चला गया था और वहाँ पे कुछ सांसद विधायक भी आने थे। हम तो समय से पहुँच गए लेकिन सांसद विधायक ज़्यादा व्यस्त होते हैं, वो लोग देर से पहुँचे तो उनके चक्कर में हम भी देर हो गए। आज मेरा 101वां कार्यक्रम है 2023 का। इसलिए हम इसको प्लेन लेके आए हुए, 100 पूरा हो गया जो दिल्ली के बाहर बाहर हुआ। पिछले संडे को 100वां कार्यक्रम था 2023 का मुंबई में। तो अभी तक हम सामान्यतया कुछ नोट्स वगैरह बना के ले जाते हैं, अंदर नोट्स बना रहता है, लेकिन 100 के बाद हमने नोट्स छोड़ दिया और हमने कहा चूंकि अपने भाई और बहन सब जानने वाले अपने घर परिवार के लोग हैं तो सादा पन्ना ले चलते हैं। आप ही से पूछते हैं कि क्या बोलना है, आप ही लोग तय कर दो। बात राष्ट्रवाद की है। अगर दिल्ली का आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए, बनना चाहेंगे? बोलो भाई, कितने लोग बनना चाहेंगे? सारे बनना चाहेंगे। देखो इंटरेक्टिव होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये बहुत बौद्धिक टाइप का नहीं है, इंटरेक्टिव होगा। एक दिन के लिए आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, नायक फिल्म जैसे बनी थी, तो आप क्या करेंगे? हमारी बहन आप प्रदूषण चाहती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसका एक है, आप प्रदूषण को नियंत्रण करेंगे जी। और दूसरा मुख्यमंत्री कौन है, आप क्या करना चाहेंगे? शूट एट साइड, बहुत बढ़िया। जो जल्दी जल्दी बताइए क्योंकि टाइम नहीं जाना चाहिए ना, शूट एट साइट हो जाएगा। तीसरा मुख्यमंत्री, हाँ स्वास्थ्य ठीक कर देंगे आप? अच्छा ठीक। और मतलब सारे दिल्ली वाले अंधे हैं, आंख बंद करके वोटिंग करते हैं, आप उनकी आंख खुलवाएंगे? एक गिलास जरा पानी दे दीजिए, पानी। चलो पांचवा मुख्यमंत्री, हाँ बोलिए सर, आप तो यंग मुख्यमंत्री हो, घुसपैठियों को निकाल देंगे। एक ही काम करना है, याद रखिए, एक दिन का मुख्यमंत्री कार्य मिलेगा और एक ही काम मिलेगा, दूसरा कोई काम नहीं मिलेगा। आप कह रही हैं जिहादियों को आप जो है वो कर देंगी, और ठीक है, और क्या करेंगे? करेंगे क्या, कैसे, सब वापस ले लेंगे? ठीक है ठीक है। और बोलिए बहन जी, रूल ऑफ लॉ कर देंगे, ठीक है। और तीन लोग, तीन मुख्य, ठीक है, भ्रष्टाचार कम करेंगे आप? अच्छा हाँ जी, यमुना की सफाई करेंगे। और बहुत, और अच्छा, आज ही अनशन तोड़वा के आ रहे हैं, आप कहें जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाना चाहिए। ठीक, करप्शन पे लगाम लगाएं जी। और भैया, अच्छा सबको जो है सुबह सुबह आप जो है खड़ा करके राष्ट्रदेव भाव कराएंगे, संघ की शाखा प्रत्येक मोहल्ले में लगवा देंगे आप। और अच्छा, मतलब आप बुलडोजर चलाएंगी?
नशा मुक्ति के लिए कुछ एक बड़ा कदम उठाना जरूरी है कि दिल्ली की स्थिति, हर गली में नशा बिक रहा है, गोलियां पड़ती है, ये बहुत बड़ी समस्या है इसकी। आप नशा मुक्ति करेंगे, ठीक है, ये पेपर भर गया। मुफ्त खोरी बंद कर देंगे, ठीक है ठीक है ठीक, करना चाहिए ना, बोलो हम कर देंगे, ऐसे बोलो, ठीक है। आ गया सबका विषय, आ गया, अब लगभग लगभग सबका आ गया। आज टॉपिक नहीं लिखा, क्या है अपना टॉपिक? इसमें से लगभग आधे विषयों पे मेरी PIL चल रही है, दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, हम अगले 25-30 मिनट इंटरेक्टिव रखेंगे, लगातार आप हम जब कुछ पूछें जोर से बोलते जाइए। हम सब ने बचपन से सुना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये पुलिस स्टेशन क्राइम का प्रिवेंशन है या क्राइम का क्योर है? अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, कुछ भी नहीं। ये हॉस्पिटल शरीर बीमारी का प्रिवेंशन करता है या क्योर करता है? क्योर करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है, क्योर नहीं करता, पर यू आर राइट, कंट्रोल करता है। ये हमारी कोर्ट क्राइम का प्रिवेंशन करती है, क्राइम का क्योर करती है, क्या करती है? कुछ भी नहीं करती, तारीख पे तारीख देती है, तारीख पे तारीख देती है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। मैं ये वकील के नाते नहीं कह रहा हूं, एक इंजीनियर के नाते कह रहा हूं, कई कंपनियों में नौकरी करने के बाद कह रहा हूं। मैं एलमल वेस्पा में था, हीरो मोटर्स में था, मारुति में था, वो सब छोड़ने के बाद फिर इधर आ गया, बहन जी के साथ वकालत करने लग गया। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। दूसरा, सोच बदलो देश बदलो, सोच बदलो समाज बदलो। भारत में जब तक गुलामी के निशान चल रहे हैं, जब तक गुलामी की परंपराएं चल रही हैं, और या उसको नटसेल में कहूं, जब तक गुलामी के नियम कानून चल रहे हैं, तब तक कुछ भी नहीं बदल सकते। डॉक्टर बहुत अच्छा हो लेकिन दवा घटिया हो, बीमारी ठीक हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा, अरे 101वां कार्यक्रम है, दिल्ली में हो रहा, थोड़ा जोर से बोलिए भाई। डॉक्टर अच्छा हो, दवा घटिया हो, बीमारी ठीक हो सकती है क्या? ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी घटिया हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? मिस्त्री अच्छा हो, सीमेंट बालू खराब हो, घर अच्छा बन सकता है क्या? आपको खाना बनाना बहुत अच्छा हो, तेल मसाला खराब हो, अच्छा खाना बन सकता है क्या? ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून घटिया होता है तब तक किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। याद रखिए, डॉक्टर अच्छा नहीं होता बल्कि दवा अच्छी होती है, क्योंकि डॉक्टर बीमारी का इलाज नहीं करता, दवा बीमारी का इलाज करता है। हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चला गया कि डॉक्टर अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा नहीं होता। शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाता, शरीर के अंदर इंजेक्शन जाता है, शरीर के अंदर दवा जाती है। तो इसलिए डॉक्टर अच्छे होने से ज्यादा जरूरी क्या है? दवा का अच्छा होना, इंजेक्शन का अच्छा होना, वैक्सीन का अच्छा होना। इस साल मैं लगातार पूरे देश में इसीलिए घूम रहा हूं कि पहली बात तो लोगों को क्लैरिटी आ जाए कि डॉक्टर से ज्यादा अच्छा जरूरी है दवा, ड्राइवर से भी ज्यादा अच्छा जरूरी है अच्छी गाड़ी, मिस्त्री से ज्यादा अच्छा जरूरी है अच्छा सीमेंट बालू, अच्छा सरिया, खाना बनाने वाले से ज्यादा अच्छा जरूरी है अच्छी सब्जी, अच्छा तेल, अच्छा मसाला। दोनों जब तक एक साथ नहीं चलेंगे समाधान नहीं होगा। नहीं तो आपके दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करने वाली एक पार्टी आई थी, हम भी उसके फाउंडर मेंबर रहे, हम भी उसके सदस्य रहे,
इनफैक्ट जब पहला इलेक्शन हुआ था मैं उसका ऑथराइज सिग्नेचरी भी था। जब 2013 का इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी से नलिन कोहली जी ऑथराइज सिग्नेचरी थे, कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल थे और आम आदमी पार्टी का मैं ही था जो पहला इलेक्शन हुआ। मैं बार बार समझाता रहा अगले को कि तुम ये लोकपाल लोकायुक्त कायले पिपिहरी बजा रहे भैया, ये लोकपाल लोकायुक्त का कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाएंगे, और अगर हो सकता तो पिछले 7 साल से लोकपाल चल रहे हैं और पिछले 7 साल से पूरे देश में लोकायुक्ता भी है, आप बताओ रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म हुआ हो? बढ़ गया वो अलग बात है, लेकिन कम तो नहीं हुआ ना। हाँ, टैक्स पेयर के ऊपर एक बर्डन बढ़ गया, टैक्स पेयर के ऊपर एक और बजट आ गया कि लोकपाल के ऑफिस का भैया 10 करोड़ रुपए सालाना खर्चा ये भी है, लोकायुक्ता के ऑफिस का 5 करोड़ रुपए सालाना खर्चा ये है। अब ये 15 करोड़ टैक्स बढ़ गया, एक काम करो जीएसटी थोड़ा टाइम पे देते रहो, जीएसटी थोड़ी ज्यादा दे दो, इनकम टैक्स थोड़ा ज्यादा दे दो, टीडीएस थोड़ा ज्यादा दे दो, वैट थोड़ा ज्यादा दे दो। ये जितने ऑफिस चलते हैं सब आप ही लोगों के पैसे चलते हैं, सांसद विधायक का मंत्री का वेतन भत्ता गाड़ी बंगला पेट्रोल डीजल खाना बनाने वाला सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ आप ही देने वाले हो। इवन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजों की सैलरी आप ही देने वाले हो, सरकारी वकील की सैलरी भी आप ही देने वाले हो, अटॉर्नी जनरल की सैलरी भी आप ही देते हो, जो उनको सैलरी नहीं मिलती जो उनको हर अपीयरेंस के बाद मिलता है, सॉलिसिटर जनरल को जो अपीयरेंस वो भी आप ही को देते हो, और कई बार तो आपको दोनों तरफ का देना पड़ता है। कैसे? आप एक अननेसेसरी मुकदमा लड़ रहे हो, अपने मुकदमे के लिए एक अपना वकील खड़ा करते हो और दूसरी तरफ सरकारी वकील आता है। ये सरकारी वकील कोई पॉलिटिकल पार्टी देता है क्या? उसकी फीस कौन देता है बताइए जरा? पब्लिक। आप देते हो तो एक तरीके से आप दोनों तरीके फीस दे रहे हो, अपने भी फीस दे रहे हो, फिर सरकार से लड़ रहे हो, सरकार की तरफ जो वकील खड़ा हो रहा है उसकी फीस भी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।